अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और अभी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं DSLR से शूट करके मैं लैपटॉप से एडिट कर पाऊँ। लेकिन रियलमी ने लॉन्च कर दिया है रियलमी का नार्जो 30A और 30 Pro, तो इसका तो ओपिनियन देना बनता था, तो मैंने सोचा चलो यार फ़ोन से शूट कर लेते हैं और जल्दी से बाहर जा करके हम लोग एडिट वगैरह जो है कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो 16:9 में है एंड 1080p एट 30 FPS में है। लेकिन आखिर कैसा है ये नार्जो का 30A और 30 Pro? मतलब कि दोस्तों मुझे तो पसंद आया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एंड मैं क्लियरली समझाना चाहता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले कदम लीजिए वरना पैसे से इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस देखिए, ये जो रियलमी के स्मार्टफोन्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्मार्टफोन्स हो रहे हैं। मतलब चलो अगर कोई फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस अच्छा भी है, प्राइसिंग अच्छा भी है, फिर भी आपको रिकमेंड करने का मन नहीं करता है, ऐसे ये स्मार्टफोन्स होते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये है ना कि जैसे कि आप ले लो रियलमी का नार्जो 30 Pro, अब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ कितने में, तो 17,000 रुपये में और 20,000 रुपये में। 17,000 रुपये में आपको मिलता है 6 GB RAM 64 GB स्टोरेज और 20,000 रुपये में आपको मिलता है 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है काफ़ी सारे दो डिवाइसेस से। जैसे कि अगर आप रियलमी का X7 ले लो जो कि आज से लगभग 20 दिनों या एक महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, या फिर आप रियलमी का 7 प्रो ले लो जो कि 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो 20,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में इन्होंने तीन स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिए हैं, रियलमी 7 Pro, रियलमी X7, रियलमी ये कौन सा था भाई, मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ, रियलमी नार्जो 30 Pro। तो इस तरह से कन्फ्यूजन बहुत ही बढ़ जाती है। आखिर ये कम्पीट किससे कर रहे हैं, क्या ये शाओमी से कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या ये किसी और ब्रांड से कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं और अपने आप को ही बार बार किल करने में लगे हुए हैं। कभी अपने आप से अच्छा फ़ोन निकालते हैं, कभी अपने आप से बुरा फ़ोन निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, रियलमी 7 Pro काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन था। एमोलेड की स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती थी, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन उसके अच्छे थे। उसके बाद रियलमी X7 आया जो कि दोस्तों डिमेंसिटी 800 U प्रोसेसर के साथ आया। 5G आया दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा हमें पसंद आएगा, चलो यार 5G दे रहे तो रियलमी 7 Pro को आप छोड़ करके हम लोग ये ले सकते हैं। लेकिन फिर उसी तरह के सिमिलर प्राइसेस में रियलमी नार्जो 30 Pro को ला देना एंड वही डिमेंसिटी 800 U का प्रोसेसर, उसी तरह का कैमरा, बस बैटरी में थोड़ी सी डिफरेंट है दोस्तों, एक में 4000 कुछ MAH का बैटरी और दूसरे में 5000 MAH का बैटरी है। तो ये हल्के फुल्के छोटे मोटे चेंजेस करके ला देना दोस्तों यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इनका जो प्लान है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। इनको चाहिए कि भाई एक ऐसा डिवाइस निकाले जो ज़्यादा दिनों तक चले एंड बार बार एक ही डिवाइस को किल ना करे। अब बताओ, जो जिन्होंने रियलमी X7 लिया होगा वो दोस्तों एमोलेड की स्क्रीन के साथ में आता था, और ये जो रियलमी का नार्जो 30 Pro है दोस्तों, ये IPS LCD 120Hz डिस्प्ले के साथ में आता है। तो कई सारे लोग तो ऐसा कहेंगे कि चलो यार हमें ऑप्शन मिल रहा है कि एक में एमोलेड ले और एक में IPS ले, चलो ये भी बात सही है दोस्तों, इस बात से एग्री करता हूँ। बट एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन बार बार निकालने से दोस्तों मार्केट को लगेगा कि यार अगर हम लोग आज ये फोन ले ले तो हो सकता है कि कल उससे भी अच्छा फोन आ जाए। मतलब कि देख लो दोस्तों, जैसे कि रियलमी 7 Pro आया, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद में यहाँ पे 5G स्मार्टफोन आ गया, तो कई लोगों को लगा होगा ना कि मैंने 7 Pro क्यों लिया, या फिर जिन्होंने लिया होगा दोस्तों यहाँ पे 800 Dimensity 800U का प्रोसेसर 20,000 रुपए में एंड वो फोन होगा दोस्तों रियलमी X7, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं 20,000 रुपए में 5G फोन ले रहा हूँ। एंड जैसे उन्होंने देखा होगा दोस्तों कि अभी ये जो फोन आया है रियलमी का नार्जो 30 Pro, इन्होंने देखा कि यार ये तो 17,000 रुपए मिल रहा है, तो हमने 3,000 एक्स्ट्रा रुपए क्यों दिए। तो इस तरह की बातें आती है दोस्तों जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट टूटता है एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ये ब्रांड ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दोस्तों रियलमी का नार्जो 30 Pro के साथ। बाकी दोस्तों ओवरऑल डिवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया दोस्तों, अच्छी डिवाइस है। मतलब डिमेंसिटी 800U का प्रोसेसर है, 6.5 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले है जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और 120Hz का डिस्प्ले है। तो ये Poco X2 और Poco X3 से काफी ज्यादा जो है सीख ले रहे हैं एंड उसी तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार इन्होंने एमोलेड नहीं दिया, क्योंकि एमोलेड देते तो और भी ज्यादा सिमिलर हो जाता यहाँ पे रियलमी X7 से। लेकिन दोस्तों कुछ कमियां भी मुझे लगी, जैसे कि इसमें आपको दोस्तों कोई भी गोरिल्ला ग्लास वगैरह के प्रोटेक्शन के बारे में बताया ही नहीं गया। मतलब जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल अनस्पेसिफाइड है कि नहीं है पता नहीं। 30W का फास्ट चार्जिंग मिलता है दोस्तों, जबकि यहाँ पे रियलमी X7 में 50W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में बात कर सकते हैं, बट मैं यहाँ अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने नहीं आऊँ, मैं बस आप लोगों को अपना ओपिनियन देने आऊँ। हो सकता है कि मैं बाद में आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं अलग अलग फोन से कंपेरिजन करके बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर वो फोन। तो आज की मेरी ये ओपिनियन ये है कि रियलमी नार्जो 30 Pro एक अच्छा स्मार्टफोन है, बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन अनइंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि यार आपको यही स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर ये बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है बट इट्स क्वाइट अनइंटरेस्टिंग। ये है दोस्तों रियलमी नार्जो 30 Pro के बारे में।
अब बात आती है दोस्तों Realme का नार्जो 30A के बारे में, तो इसका भी सिमिलरली सिचुएशन है। वैसे ही ये लोग काफ़ी सारे फ़ोन को निकालते रहते हैं दोस्तों, फिर उसी प्राइस में, मतलब क्या बताऊं दोस्तों, एक ही तरह के फ़ोन्स। तो जो Realme नार्जो 30A है दोस्तों, उसमें आपको मिलता है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर। अच्छी बात यह है कि यह जो MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर है दोस्तों, आपको 9,000 और 10,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। ये प्रोसेसर Redmi Note 9 में इस्तेमाल किया गया था 12,000 रुपये में, अभी फिलहाल वो 11,000 रुपये में मिल रहा है, 11-12-13,000 ऐसे प्राइस में मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि यह प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो 9,000 और 10,000 का वेरिएंट दोस्तों, इसमें आपको एक वेरिएंट मिलता है यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा, मतलब 10,000 रुपये में आपको मिलता है 4GB RAM 64GB स्टोरेज। एंड अगर आप देखोगे पोको M3 तो आपको 6GB RAM 64GB स्टोरेज मिल जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये में। हालांकि उसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 662 है, लेकिन उसके लिए फिर आप MediaTek G80 देख सकते हो दोस्तों, जो कि पोको M2 में है। तो MediaTek G80 प्रोसेसर भी G85 से काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो फिर आपको 6GB RAM आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे पोको M2 में दोस्तों, यहाँ पे 6GB RAM 64GB स्टोरेज। तो ये भी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि ये जो फ़ोन है Realme का नार्जो 30A, इसमें आपको HD+ की स्क्रीन मिलती है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे यार इस प्राइस में HD ही मिलता है, सही बात है भाई, इस प्राइस रेंज में HD ही मिलता है। लेकिन Xiaomi जैसे ब्रांड 10,000 रुपये में हमें फुल HD देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी HD पे अटके हुए। हालांकि इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशंस ये जो है काफ़ी ज़्यादा सही है। HD+ के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ये फ़ोन चलेगा, इसमें कोई भी इशू आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन फिर ओवरऑल बात कर ले कुछ और चीज़ों के बारे में, तो इट्स क्वाइट अन इंटरेस्टिंग अगेन दोस्तों, क्योंकि जो कैमरा है दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है 13 MP का कैमरा, मेन कैमरा, फिर आपको डेप्थ सेंसर, मैक्रो सेंसर, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे ड्यूल डबल ही कैमरा है, तो यहाँ पे 13+2 MP का कैमरा मिलता है, जो कि क्वाइट अन इंटरेस्टिंग एट दिस प्राइस रेंज। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें मतलब और कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बैटरी के लिए आप ले सकते हो ये स्मार्टफोन, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस के लिए ले सकते हो, गेमिंग के लिए ले सकते हो, G85 इज गुड इस प्राइस रेंज में ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं आपको कह सकूं कि यार आपको यह फोन बिल्कुल लेना ही चाहिए, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाकी सभी चीज़ें फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, जो कि मैं कुछ वीडियो में एक्सप्लेन आपको कर दूंगा क्या कुछ कमियाँ हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ठीक है, चलेगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं कहूँगा कि चलो यार अच्छा फ़ोन है, ज़्यादा शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नार्जो 30A इज़ अ गुड फोन, लेकिन अगेन अन इंटरेस्टिंग है। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी फोन्स आ रहे चाहे वो नार्जो 30 Pro हो या 30A हो, सब ये लोग प्लास्टिक बैग के साथ में निकाल रहे हैं, प्रोटेक्शन बता ही नहीं रहे हैं कि गोरिल्ला ग्लास है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा था, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, 6000 mAh के साथ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बताओ दोस्तों, आप इन दोनों फ़ोन्स के बारे में क्या जानना चाहते हो? क्या आप Realme Narzo 30A या 30 Pro का रिव्यू देखना चाहते हो, या फिर चाहते हो मैं थियोरेटिकली आप लोगों से किसी और स्मार्टफोन से कंपेयर करके दिखाऊं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा बाई नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं, तो काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाली है। एंड Redmi Note 10 सीरीज भी आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब Redmi Note 10 आएगा ना दोस्तों, किल करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, नार्जो सीरीज को ये किल करने वाला है, बिकॉज नार्जो सीरीज, चलो Helio G85 इज अ पावरफुल प्रोसेसर, बट ये Helio G85 Redmi Note 9 में यूज हुआ था, जो कि दोस्तों आज से 7-8 महीने पहले आ रहा। तो 7-8 महीने बाद अगर हम कम प्राइस में भी Helio G85 दे रहे हैं दोस्तों, तो आई डोंट थिंक कि आपने बहुत बड़ा कोई काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त कोई तीर मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। 7-8 महीने के बाद प्रोसेसर की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नार्जो 30 और 30 प्रो दोस्तों, चलो 30 प्रो ठीक भी है, लेकिन 30A दोस्तों थोड़ा सा लेट लतीफ आया है, एंड 30 प्रो अन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों ये लोग अपने ही डिवाइसेस से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आज का हमारे इस ओपिनियन में इतना ही, आई होप कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एंड हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और जो भी मन होगा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो को अभी मैं कोई भी किसी भी तरह से मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक टेक में बन ही गया है वीडियो, तो ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। बाय बाय, जय हिंद।